पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की राज्य की आगामी यात्रा पर कटाक्ष करते हुए मंगलवार को पुलिस से कहा कि वह उन्हें मिठाई और फल देकर उनका स्वागत करें और सुनिश्चित करें कि उनके 4 दिवसीय प्रवास के दौरान कोई दंगा नहीं हो। भागवत मंगलवार से केशियरी में शुरू हो रहे RSS के प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे। यह प्रशिक्षण शिविर 3 सप्ताह तक चलेगा। बनर्जी ने यहां समीक्षा बैठक में अपने अधिकारियों से कहा कि RSS प्रमुख के 17 मई से 30 मई तक केशियरी में रहने का उद्देश्य क्या है। आप उन्हें प्रशासन की ओर से मिठाई और फल भेज सकते हैं। उन्हें एहसास होने दें कि हम अपने मेहमानों के साथ कितने सौहार्दपूर्ण हैं। बनर्जी ने यहाँ प्रशासनिक बैठक के दौरान केशियरी थाने के प्रभारी निरीक्षक से कहा कि उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया कराएं और यहाँ भी सुरक्षित करें कि कोई दंगा ना हो। RSS के वरिष्ठ पदाधिकारी देवाश्री चौधरी ने हालांकि यह कहते हुए पलटवार किया, यह दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए उत्सुक हो गई हैं, साथ ही में हम उनसे इस्लामिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे तबलीगी जमात शिविरों में जाने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा होगा यदि बनर्जी अपने लिए RSS के शिविर को देखें। उन्होंने दावा किया है कि युवाओं को वहाँ शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। रिपोर्ट IPN।